क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1750 इन 5/2 मीन्स 2.5। अच्छा यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट, सी व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड, आपको अमाउंट निकालना है ऑन अ सम ऑफ मनी। सोल्यूशन देख लेते हैं, प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, प्रिंसिपल इज हाउ मच 1750 रुपीज। टाइम इज गिवन टू यू, टाइम 5/2 का मतलब है 2.5 ईयर्स, और रेट आपको दिया है 8% पर एनम, और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सो डू यू नो दिस फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r / 100 की पावर n, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। बट यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर टाइम 2.5 साल हैं, तो 2 साल के लिए तो आप बहुत ईजली सी, ठीक है, मैं आपको बड़ा अच्छा फंडा बता रहा हूँ, a इज इक्वल टू p, p इज हाउ मच 1750 इन टू ब्रैकेट में 1 + रेट, रेट कितना है 8% पर एनम, ठीक है, तो मैं जो 2 साल का है उसमें ईयरली निकालूंगा, सो 8/100, और 2 साल में 2 पीरियड बनेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। अब बचा कितना, 6 मंथ, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 मंथ। अब जो मुझे रेट दिया है ना, दैट रेट इज गिवन टू मी अकॉर्डिंग टू ईयर पर एनम, बट इफ आई हैव टू टेक रेट एज पर हाफ ईयरली, आई हैव टू हाफ द रेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 8/2 दैट विल बी 4/100 की पावर, वट विल बी एन ईयर, 6 मंथ का पीरियड बनाना है आपने हाफ ईयर के, एक ही पीरियड बनेगा, सो 1 आ जाएगा। ये समझ में आया ना, दिस फंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स एंड दिस इज़ फॉर 6 मंथ, 6 मंथ में रेट भी हाफ हो जाएगा, सी दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 4, 6 मंथ का जो रेट होगा दैट विल बी हाफ, 8/2 दैट विल बी 4% पर, नॉट एनम, पर 6 मंथ, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस। सो ए विल बी इज इक्वल टू 1750, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटू यहाँ पर दिस विल बी 108/100 इंटू 108/100 इंटू 104/100, इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। तो आप क्या करें, इसका हाफ कर दीजिए, दिस विल बी हाउ मच 54, इसका हाफ कर दीजिए 50, इसका हाफ कर दीजिए 54, इसका हाफ कर दीजिए 50, इसका हाफ कर दीजिए 52, इसका हाफ कर दीजिए 50, ठीक है, फिर इसका हाफ कर दीजिए 27, इसका हाफ कर दीजिए 25, इसका हाफ कर दीजिए 27, इसका हाफ कर दीजिए 25, इसका हाफ कर दीजिए 26, इसका हाफ कर दीजिए 25, तो हमारा आ रहा है कुछ इस तरीके से 1750 इंटू 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, सॉल्व करो मुझे, टेल मी द आंसर, दिस विल बी 5 3s 15, 5 5s 350 हो गया, ठीक है, एंड दिस विल बी 5 5s, ओके, एंड देन दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5 70 times, ओके, इसको सॉल्व करो फटाफट, टेल मी द आंसर, 70 × 27 × 27 × 26 / 25 × 25, ठीक है, द आंसर इज कमिंग 2122.848, आई थिंक सो, इट्स नॉट जैथ्र दिसाई, इट्स नॉट 2214.33, ठीक है, सो हु हैज गिवन द राइट आंसर।